मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं मंदिर, वहाँ कौन से मंदिर जा रहे हैं और पता नहीं कौन से मंदिर जा रहे हैं, मतलब अभी कुछ प्लान हुआ नहीं है। लालू भैया कह रहे हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं तो उनके भरोसे हम भी जा रहे हैं, तो वहाँ जाके दिखाते हैं कि कैसा मंदिर है एकदम चम। और यहाँ पे सुमित भैया हमारे कपड़े एक्सचेंज कर रहे हैं, इनका शर्म लग रही है नंगों को। तो आप फटाफट कप मैन तो पहन ले, ये भी पहनते हैं, फिर निकलते हैं हम लोग। फाइनली हम जा चुके हैं डोल आश्रम को और पीछे से हमारे उस्ताद जी की गाड़ी आ रही है और हम जा रहे हैं सुमित भाई और मैं गौरव भाई तीनों बाइक में लमगाड़ा तक। लमगाड़ा से जाएंगे सुमित भाई गाड़ी में, हम जाएंगे गौरव और मैं बाइक में, क्योंकि वहाँ से चाहिए डीएल, वहाँ से पुलिस चेकिंग होती है, हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते। वही उस्ताद जी हमारे पीछे से आ रहे हैं। उस्ताद जी तो गाइज अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे रुक चुके हैं क्योंकि हेलमेट दो दो हो जा रहे थे और हम तीन लोग हो रहे थे ना, तो हेलमेट हमने गाड़ी में रख दिए हैं। बस मतलब लमगड़ा 5 किलोमीटर है, तीन चार किलोमीटर ऐसे चलते हैं बिना हेलमेट के, उसके बाद हेलमेट पहनते हैं फिर निकलते हैं। और ये आगे ड्राइवर चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे लल्ली भैया लग चुके हैं हमारे। हेलो, कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजे में आ गया। अब लमगड़ा बचा है यहाँ पे 3 किलोमीटर करेक्ट। अरे 13 तीन यार 13 किलोमीटर बजाय 3 नहीं बजाय, मतलब अभी बहुत टाइम है हमें थाने में पहुंचने में, तब तक हम आराम से बिना हेलमेट के जाते हैं। गाड़ी आ रही है जिसमें पूरी फैमिली पीछे से आ रही है और हम लोग तीनों बंदर गाड़ी के भी बंदर यहाँ जा रहे हैं बाइक में मजे करते हुए। अब यहाँ पे रुक गए हैं, यहाँ से हेलमेट वेलमेट लेते हैं फिर निकलते हैं। अब फिर से गाड़ी भी आ गई है पीछे से। गाइस अब हम चलने लगे हैं अनुशासन में, अनुशासन के साथ, क्योंकि भाई ना ही कुछ करेंगे हम दो लोग हैं, डीएल है, सब चीज़ें गाड़ी का सब कुछ है हमारे पास, और दो ही लोग भी हैं बैठे, तो सुमित को हमने वहाँ डाल दिया है। अब गाड़ी भी फुल है, तेल वेल सब फुल है हमारा, और लालू भाई साहब ने चश्मा भी लगा दिया है और दोनों ने हेलमेट भी पहन दिया है। अब हमारा चालान कोई भी नहीं कर सकता, नामुमकिन नहीं, नामुमकिन है। यहाँ से हम चलने लगे मंदिर के मार्ग पे। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे मंदिर में। ये है हमारा दूसरा गेट, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आपको एक मस्त मंदिर दिखाते हैं। यह है शिव जी की मूर्ति, भाई कितनी भव्य मूर्ति है यार। यहाँ पे है शिव जी की मूर्ति, एकदम भव्य मूर्ति, सुंदर भैया। और यहाँ पे पता नहीं लाइव गए हैं शायद, किस में लाइव गए हो? इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम में लाइव गए हैं पता नहीं, अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं यहाँ का। और यह है मंदिर के अंदर का पड़ाव, एकदम भाई मतलब मैं यहाँ 8-9 साल बाद आ रहा हूँ, कितना मस्त लग रहा है यार, मज़ा आ गया। जूम आ जाएगी, माँ करवा रहे हैं हमसे। हाँ गाइस, पहले तो हमें फ़ोन लाने नहीं दिया, फिर भी मतलब बातचीत करने के बावजूद हमें फ़ोन ले जाने दिया है, वो भी मतलब ज़्यादा फ़ोटो खींचनी नहीं है, बस थोड़ा बहुत मेन दिखा देता हूँ आपको। यह है सबसे मतलब भव्य मंदिर, मतलब यहाँ पे सबसे मतलब इसी लिंक की स्थापना यहाँ की थी, बट वहाँ हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, मतलब किसी को भी नहीं है, हमें क्या नहीं है। अब इतना हमें दे दिया मेरे लिए, इतना बहुत है भाई। यहाँ पहुँच गए और मतलब भाई कितना प्यारा मंदिर है यार। पहले जब मैं 9-10 साल पहले आया था ना, मतलब इतना खास मंदिर नहीं था, छोटा सा मंदिर था, और अब
यहाँ जन्नत लग रही है ना सुमित भाई, कितना प्यारा लग रहा है। आप पहली बार आ रहे हो ना यहाँ? मैं मतलब 8-9 साल पहले आया था, तो तब इतना प्यारा नहीं था, और अभी तो मतलब 2-3 फ़ोन उठा के ले आए हम लालू भैया का भी, वहाँ फ़ोटो शूटिंग चल रही है, मैंने कहा हम यहाँ वीडियो बना लेते, और इतना प्यारा यार मज़ा आ गया, अभी उस साइड से तो और प्यारा लग। मेरा कैमरा भी कम पड़ रहा है इस जगह को कवर करने के लिए, हर चीज़ का अलग अलग पोर्शन है। ये है अंदर का मंदिर का व्यू गाइस, ये है बाहर का व्यू, बाहर से ये व्यू दिखता है डोल आश्रम का, एकदम शानदार प्यारा लग रहा है यार बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड से हम प्यारे लग रहे हैं, हम यहाँ आ चुके हैं करके। ये फील्ड कितना प्यारा लग रहा है, मस्त यार, मज़ा आ गया ना है मोनू ना सुमित सोनू गाइस। यहाँ पे अन्नू भी जाने लग गया है, पर बड़ी जल्दी जा रही है यार, अपने गांव में 2-3 दिन तक रुकती तो मैं 2-3 दिन रुकी बस शादी के लिए, हो गई 4 दिन पूरे 4 दिन, उसमें से भी 2 दिन में तेरे ढंग से निकल पाया। सही में 6 साल के बाद आई, फिर भी उसमें भी 2-3 दिन रही तू। और कैसा लगा फिर मंदिर? जैसे कि हल्द्वानी आया होगा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मंदिर तो बहुत बढ़िया, सही में फर्स्ट टाइम आ रही हूं, पीछे का देख बैकग्राउंड यार बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास। अन्नू से मिलके बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा बोला, अच्छा लगा बोला यार, मैंने बुरा लगा कहाँ बोला, अच्छा लगा। ठीक है अन्नू, तुझे कैसा लगा? मिल तो नहीं पाए, सही में बुरा लगा मुझे, जिंदगी में पहली बार बुरा लगा जाने में। अरे भाई होता है होता है, और कल को ये नंगा भी जाने वाला है, और हमारे यहाँ हीरो अभी तो मतलब इमोशनल यार, रोज यार रोने लग गई है पागल। हैवी ड्राइवर भैया फोटो शूट चल रही है भाई साहब की, हमारे हमारे हैवी ड्राइवर भाई साहब पहाड़ों में सांप बना रहे गाड़ी का, गाड़ी को नागिन यहाँ देखो, पर ड्राइविंग सीखनी है तो इनसे जी अच्छे से मतलब इनके संगे हम घूमते फिरते ज्यादा है, और यह है इनकी गाड़ी स्पेशल धन्नू हमारी, और यहाँ पे मतलब इनकी गाड़ी भी फेमस है, इनकी इनकी ड्राइविंग भी फेमस है। ये ओ भाई सीरियसली यहाँ देख, मंदिर से बाहर भी आ गए और आप सब लोग जाने लग गए, चाची लोग चाचा लोग यहाँ पे। ये अमित भाई कुछ कहना चाहोगे? क्या कहें यार, कुछ भी कह दो यार, और दिन रुकना चाहते थे, और दिन रुकना चाहते थे, पर क्या करें। हाँ यार चलो यार ना, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय। आप डोल आश्रम से हम विदाई लेते हैं और चले गए हैं हम अपने गांव की ओर, और यहां से डोल आश्रम हल्का बहुत पेड़ों से छिपा हुआ, मतलब दिखता तो साफ बट पेड़ है ना, पेड़ों से साफ होता नहीं दिख पा रहे हैं। मक्खन जलाते हैं भाई, कोई मजाक तो गाइस अभी लमगड़ा पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे खाने पीने के लिए रुके हैं, हम तो खाना पीना खा के आ गए हैं, और भैया लोग ताऊ लोग चाची लोग सब वहाँ खाना खा रहे हैं, सुमित भैया और मैं यहाँ पे छत में बैठे हैं गाड़ी के। अभी शाम को हो सकता है मैं गाँव अल्मोड़ा भी जाऊँ, या वरना शाम को जाऊँगा तो फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करना पड़ेगा मुझे अल्मोड़ा के लिए। अभी हम लमगड़ा में हैं, करेक्ट लमगड़ा में। गाइस अभी हम घर को जा रहे थे और हमें एक मंदिर और दिख गया, ये बमल साहू के वहाँ पे है एक सुंदर सा मंदिर, यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, मंदिर शिव जी के मंदिर, ये है नंदी भगवान और शिव जी भगवान, और यहाँ पे लल्लू भैया जी यहाँ पे रुके, और ये है शिव जी की भव्य मूर्ति, एकदम सबसे सुंदर, मतलब हमारे गांव में आता है बबन साहब गाँव भी। तो गाइस फाइनली घर भी पहुँच चुके हैं भाई, आज बाइक चलाते चलाते थक गए, लालू भैया अपने बुआ के वहाँ चले गए, मैं अपने घर आ गया हूँ, और अनु लोग तो हल्द्वानी चले गए थे, और उनके फुफाजी लोग अपने गांव चले गए, सब अपने अपने घर चले गए, और मैं अपने घर आ गया हूँ। सुमित ऊपर चले गया है अपने घर, अभी वो भी नीचे को आ जाएगा, और ये हमारा बुन्नू प्यारा सा, क्या कर रहा तू? अभी तुझे भी घुमाने ले जाते हैं, तो अब फटाफट पहले कपड़े चेंज करता हूँ मैं, उसके बाद घूमने। अरे मैं तो कपड़े लाया नहीं हूँ, इंडिगो पहने रहता हूँ, और फिर चलेंगे तुझे घुमाने चलते हैं। अब शाम भी हो चुकी है, और मैं और सुमित भाई साहब कुत्ता घुमाने आ गए हैं ब्रूनो को। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ब्रूनो भाग जाता है ना गाड़ियों के पीछे पीछे, कोई दबा के चले जाएगा भाई, अब बचपन से पाला है, मतलब अपने परिवार का हिस्सा जैसा लगता है, जैसा यार उनकी अपना हिस्सा ही लगता है भाई, परिवार का सबसे प्यारा कुत्ता हमारा, मतलब फैमिली वाला ही मेम्बर हो गया ये भी। और अभी फिलहाल सुमित भैया घुमा रहे हैं,
हमारे प्यारे भैया, कल को हम भी चले जाएंगे और ये भी चले जाएंगे। पहले मैं सोच रहा था आज जाऊंगा, फिर मुझे गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती ना, तब कल सुबह को अर्ली मॉर्निंग चल देंगे। ठीक है भैया जान, मिस करोगे मुझे बहुत। तो आप चलते हैं घर को। तो गाइस कुत्ते घर के घर भी आ गए, अब खाना वाना बन गया, अब खाना खाते हैं। तो गाइस अब खाना पीना भी खा लूँगा फाइनली, अब सोने की तैयारी होगी है। मैंने तो कंबल भी ओढ़ लिया है क्योंकि मम्मी लोग अभी खाना खा रहे हैं ना, तो खाना खाते हैं। तब तक मैं सो जाता हूँ, आज मैं ऊपर ही सोऊंगा मम्मी के संग। तो फिर कल सुबह को मैंने जल्दी निकलना है, 9:10 हो गए, 9:10 और मैंने सुबह को लगभग 6 मुझे NCC में भी जाना है ना। पहले पूछता हूँ कि ज़रूरी है या नहीं है, वरना मुझे 6 अल्मोड़ा पहुँचना पड़ेगा क्या, तैयार हो जाना चाहिए 6। तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, 4:30 के आसपास उस टाइम पे निकलना पड़ेगा। पर ट्राई करता हूँ कि ज़रूरी ना हो, तो फिर मैं आराम से जाऊँगा यहाँ से, 7 जाऊँगा, 9 तक भी पहुँचूँगा, तो 10-15 में तैयार होकर निकल लूँगा। बट NCC में लेट हो गया 2-3 भी भाई, वो तो वाट लगा देते हैं हमारी भाई, ऐसे मतलब डेप्स वेप्स ऐसे पिलाते हैं ना। वैसे तो आर्मी वालों के रूल आप लोगों को बताइए, वो तो हम पे भी लागू कर देते हैं, NCC वालों पे भी। तो अभी आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, बाय।